सो गाइस, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमें स्ट्रीम बंद करना पड़ा और वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बहुत लास्ट का ही रह गया था, बॉस फाइट बचा है, तो हम चाहते हैं आप लोग इसको एंजॉय करें। राहुल जी मारो फटाफट से, खचाक खचाक मारो। ओ यार सही है राहुल जी, सही है, बहुत मजा ले रही हो आप। वो दुश्मन बाकी वाले कहाँ गए? ग्रीन वाली पावर भी ले लेते, खून लेंगे राहुल जी, खून चूस लो। मुझे भी दे दे, कहाँ से आई? खरीद कर आई थी ना, लेकर आऊँ आपके लिए एक के दो। हाँ तो बोलो, पूरा पैकेट ले आऊंगी। आता है सच में? इतना बड़ा पैकेट आता है? ये पक्का। अरे दुकान पे मैंने खूब खाए, खाते इससे बच्चों की जबान साफ होती है। ओ भूत छोड़ दिया, भूत छोड़ दिया। ये हमारे सुरक्षा कवच है, तो ऊपर चढ़ जाओ। ये तब तक तो घूमते रहते हैं काफी देर तक, वैसे काफी अच्छे आते हैं, मैनरफुल भूत। तमीज में रहते हैं बिल्कुल, नरक के बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गए आप। अब मुझे लग रहा है नोनी जी आ गया, हमारा मेन ड्रैगन दिखाई देगा शायद। ठीक है, वही पेंडोरा बॉक्स होगा ना? नहीं नहीं पेंडोरा बॉक्स नहीं है, ऊपर जाने के लिए रास्ता दे दिया इन्होंने। ऊपर कहाँ जाएगा? लकड़ी नहीं लग रही है, रस्सी कहाँ लग रही है? एक्चुअली ये है ना, वो वाली स्ट्रिंग नहीं होती जो हेलीकॉप्टर से लटक के, वो वाली होगी। है पता नहीं, और वो घूम रहे हैं ऊपर। अरे ये अंडरवर्ल्ड में, हम हमारे यहाँ तो अंडरवर्ल्ड में दाऊद बाऊद रहते हैं, उनके नरक के जीव रहते हैं। वैसे एक तरह से देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड का मतलब यही हो गया। ओह क्रेटोस, एंड नॉट अ मोमेंट टू सून, I only finished digging just a moment ago. Who are you? Who are you? Now that is an interesting question. That wasn't... But for now, you must hurry. Athens needs you. But how did you know I... Athena isn't the only god keeping watch on you, Spartan. Complete your task, Kratos, and the gods will forgive your sins. ये बता रहा है पूरा। ये बोल रहा है तुम जाओ एथेन, वहां पर जाओ एथेंस में, तुम्हें जरूर तुम्हारी जरूरत है। एथेना ही ऐसी है जो स्पार्टन्स को मैनेज करती है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। और इससे गॉड्स तुम्हारा जो वो है ना, श्राप है ना इसको, इसने अपने परिवार को मार दिया। गॉड्स ऐसा काम नहीं कर सकते ना, तो वो माफ कर देंगे गॉड्स। अच्छा ये बता रहा, ये बोल रहा है। हाँ बाबा, मैंने आपको कहानी में भी बताया था पहले। राहुल जी ब्लू वाली पावर भी ले लो, अभी आपने भूत छोड़े थे अपने सुरक्षा कवच के तौर पर, कम हो गई होगी। पता नहीं क्या कम हो गया, कम हो गया। फलो फलो फलो, देखा ग्रीन वाली ले लेते, जरा से डिब्बा पड़ा तो फ्री में पड़ा हुआ है। हाँ ले लो, फ्री में पड़ा हुआ है, जरा सी कहा पूरा फुल पैक, बिल्कुल बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर बांध के जाएगा। अच्छा हमारे पास ब्लड तो काफी हो गया, लेकिन अभी भी बहुत कम है। पता नहीं कितना, 10,000 चाहिए आपको, आपका 6,000 के करीब है। चलो इतना तो पिलाएं। यार कैसी गेम है, मतलब किसी की सोच पे तो खून पीती है तलवार। वैसे कहते हैं ऐसे पुराने युद्ध भी कि तलवार खून पीती, मतलब जितने लोगों को मारती है मरते उतनी नुकीली होती रहती है। नुकीली नहीं, मतलब उसका एक तरह से ना, मतलब अस्तित्व बढ़ता है कि इस तलवार से हमने इतने कत्ल किए हैं। हाँ हाँ, ये पुश्तैनी तलवार है, इसे उस वहाँ के राजा को मारा था। ये देख, आप आ गए। ओबे
ये वाली जो बॉल लेकर आते हैं ना बचपन में, वो वाली बॉल पे हम लोगों ने वो नहीं ऑल थिंग घुसा घुसा के उसके अंदर मोती मोती घुसा के डेकोरेट किया था वही लगता है मुझे। अब मैं मारू उनको, अरे मर गए तो। हाँ बस रहने दो, अरे इतनी जल्दी कैसे मर गए? ये तो मुझे मेरे हिसाब से पर्पल कलर की पावर आ रही है तलवार में से, तलवार से मुझे भी मारने का सुख दो राहुल जी। हाँ दरवाजा खुल गया, तलवार कलर की पावर, वो दरवाजा खुला तो है वहीं से जाएगा वो। ये सारे टूट गए पहले यहाँ पे आए थे। हाँ याद है मुझे, ये पानी पड़ा हुआ तालाब का, एथेंस ही तो है ये। और नागनों को, ये तो एथेंस की विशेषता है, नागने मिलेंगी आपको। छोड़ दो इसका मुंह मत, था थोबड़ा तोड़ना इसको बोलते हैं दोस्तों। फिर राहुल जी ने फिक्स करेंगे आपको भी। अपने जाल में फंसा लेती है ऐसे लगता है वो पुराने जमाने वाले नहीं होते थे, कौन से होते ब्रह्मास्त्र वगैरह और बाकी, और बाकी बाण तीन वाली ले लिया, बोला ब्लू वाली लेनी। अरे मैं ब्लू पे ही दबा रहा था, वो गलती से दब गया। तो भूत कहाँ से आएंगे बताओ अपने पास? अब अंकल जी भूत भी नहीं हमारे, प्लीज यार रहम करो। अरे आगे भूत खत्म हो, भूत यूज किया होंगे साथ में घूम रहे हैं भूत मेरे। आपका दब गया होगा बटन ना गलती से, और अंकल जी ने तो पावर जरा सी। चलो अब कहीं डब्बा मिलेगा उसमें ब्लू पावर मिलेगी। अब वो नीचे उतरना है क्या? मैं देख लो एक बार वहां से, देखा सीट की से जाएगा बाबू। हम मिल गए ब्लू 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 ब्लू। अच्छा बाबू अब कमाल की बात क्या है, आज मैंने लाइव स्ट्रीम पे एंड नहीं लिखा था, और लिख दिया था खाली, बाकी मुझे पता था। Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Yore, yera Iris. Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kratos returned even from the underworld. Is this the best you can do, father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war? अच्छा इसके बाद दिव्य शक्तियाँ भी हैं क्रेटोस के पास। After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. बोला मुझे बदल दिया, मैं वही इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें पहले मिला था। Kratos. Oh no, यार
यार राहुल जी, ओह सिंह पता कर लिया ने तो। Your final lesson is at hand. Your final lesson. Prepare to join your family, Spartan. बड़ा हो गया। राहुल जी ऐसे न मरने वाला। राहुल जी मेरे को मारने का मौका मिल चुका है। बहुत फाइट। बहुत गजब। Yes. राहुल जी एक चांस मुझे भी। जब वो बड़े वाली पावर देखो इस टाइम पे मिल रही है ना आपको ग्रीन और ब्लू पावर। अब भाग जाओ, अब भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, रोल 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 रोल। यार यही तो टाइम है, यही तो टाइमिंग से जैसे ही वो अपना वो कुल्हाड़ा सा ठीक कर रहा है उसमें से तुम पावर निकालेगा। भाग लो, मारो 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 मारो, तलवार से मारो तलवार, अचानक से तलवार निकाल लो अपनी तलवार, काफी अपग्रेडेड है, तलवार से मारो। इसका टैग नहीं लगता तो बहुत ही काम पड़ेगा। वही तो बोल रही, तलवार से मार लो। पावर गई अपनी तो जरा सी बची है, अब आउट उड़ा गए। अब हम बनते रहे तो सही है, रोल रोल होते भागते रहो। इतने बड़ी पावर छोड़ी तो गई, तो पावर अचानक से आ गई, बहुत सारी पावर दे रहा है। क्या बात है, मारो मारो मारो, ब्लू भी दे दे भाई, वो छोड़ेंगे तेरे ऊपर। भाग जाओ राहुल जी, भाग जाओ, भाग जाओ। हाँ ये छोड़ता है ना, समझ लो बस ये अभी ना। चलो अभी एक बार और आएगी तब आएगा ब्लू का टाइम। ये बहुत बढ़िया है कि गेम प्ले में ही पावर भी मिल जाए। मारो मारो मारो। Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. मारो मारो, ऐसे ना करिए ना। अरे मेरे पास तो L3R3। भाग जाओ, L3R3 ये वाली। हाँ है बबे, मुझे पता ही नहीं था, चकनाचूर हो गया। बड़ी बड़ी कम बची है उसकी। चलो वाओ, एक बार भूत और राहुल जी। जीरो 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 जीरो। अरे मरना जाना, मार सकते हो, मार सकते हो, मारो। उसकी पावर भी बढ़ रही है भाई, उसकी पावर भी बढ़ रही है। भाग जाओ राहुल जी, भाग जाओ। जरा सी रह गई, जरा सी रह गई। अगर हमारे पास एक बार ब्लू और होता ना, एक भूत और छोड़ते ना, इसका तो काम हो लेता। बाबू बाबू बाबू, मारो 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 मारो। अरे नहीं नहीं नहीं, चल जी, मारो मारो मारो। नो यार, नो नो नो, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। गए 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 गए। नो नो नो, गए गए गए। बचो, हाँ मिल गई यार, थैंक गॉड मिल गई। मारो 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 मारो। अरे यार बटन आए थे बाबू को दबाने के, ना तो मुझे दे दो, लाओ लास्ट में बटन मैं दबा दूंगी। जीरो आया तो बस मुझे दे देना। अब भू छोड़ दो, भू छोड़ दो, भू छोड़ दो, भू छोड़ दो, आएंगे। आ गई आई तू, हो गया। ओके, ये लगा कि ये मतलब दूसरी पावर लेकर आ रहा है। ये देख, ये देख सीन, देख बाबू कहा
कहाँ लेके जा रहा था उसको? तो पता नहीं कहाँ लेकर गया है। Flesh that burns, bones that break. But to break a man's spirit is to truly destroy him. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure. Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now... Nightmares ne isko pareshan kar rakha hai. His past stood before him. Isko raat ko bhayanak bhayanak sapne aate hain kyunki isne wo mara hai na apne parivar ko. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods, can this be real? Oi, Kratos hi aa gaya nikal ke. Haan. Pareshan hai na ye. Daddy! Actually, pata kya isko wahi sapne aate hain iski beti aur iski patni. There is nothing you can put in my way to stop me. I will save my friend. चलो भगवान जी प्लीज खत्म करवाओ इस प्ले को, मैं भी पढ़ गई हूँ. मारो अब ये छप्पर छप्पर सब उड़ने वाले हैं, इनको उड़ने से पहले मार दो. ऊपर कैसे ऊपर ले आएगा लग रहा है. वो क्या बोलते हैं, बोट वाला पर
अब आपको बोट में जाना पड़ेगा क्या? बड़ी मुश्किल से पर एट द एंड हो गया। ये शायद येलो कलर की पावर थी, क्या थी? आग थी। Please take us home. Do you see, God of War? You took them once, but you'll never have them again. हमें यहाँ घर ले चलो, वाइफ बोल रहे तो तुम देखा है गॉड ऑफ वॉर को? You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered. And you rejected me. Oh God! Now, you will have no power. No magic. All that is left for you is death. Oh. Not. यही तो होता है, इसीलिए तो लोगों को बहुत सजाएं मिलती हैं। अच्छा एरिस की अभी ये एरिस से खेल रहा है हमारे दिमाग से। By the gods. The battle was not over. The gods had seen that a final gift for Kratos. Oh. ये बैटल भी खत्म नहीं है, गॉड जो फाइनल गिफ्ट देंगे। Now. You will see how strong I am. Oh, abhi aayega. So, this is the final combat, and we will see if Ares can win or not. Oh, Ares is going to win. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. अब कुछ भी नहीं हमारे पास, पैसे प्रॉब्लम है, भूत नहीं है, है ना, ब्लेड नहीं है, तभी तभी इसे तलवार से लड़ना पड़ेगा। तो तलवार ज़्यादा इससे मूव नहीं हो रहा शायद, है ना, गिर रहा है। पहली बार में इसलिए मर गया था क्योंकि इसे सारा सामान छीन लिया। Greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me that night. Oh. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. बोले मैं ट्राई कर रहा था कि तुम बहुत बड़ा योद्धा बन जाओ, मतलब बोल नहीं रहे ना, ये नहीं चाहता था ना कि इसकी कोई कमजोरी रहे, क्योंकि हाँ। पत्नी और बच्चा था इसका, तो इसलिए इसने वहीं ट्रांसपोर्ट करा दिया। आई क्रेटोस हैड डन मी इम्पॉसिबल, अ मॉर्टल डिफीटिंग अ गॉड, एरिस वाज नो मोर। Was defeating God था ये, इसको मार दिया, बोले क्रेटोस ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर नहीं सकता था। एरिस जैसे गॉड को किसी ने नहीं मारा, ये किसी को क्या पता क्रेटोस ने करा है, राहुल जैन ने करा। The city had been saved and would thrive again. The same could not be said for Kratos. For as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are.
but we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end, knowing the visions of his past would never leave him, Kratos made his way to the bluffs overlooking the Aegean Sea. The gods of Olympus have abandoned me. अभी मर रहा है, मरने जा रहा है क्रेटोस। Now there is no hope. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all. highest mountain से गिर गया, लेकिन यहाँ पे कुछ बचा लेगा इसे। After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. 10 साल की सफरिंग के बाद इसे 10 साल तड़पाई। The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. बोले क्रेटोस का जो भाग्य था। Born aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. एथीना ने बचाया। You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Yes, Kratos. They lead to your ultimate reward. ओह, एथीना से ब्लेड मिले हैं इसे। अच्छा लगता के हो गए ना ये कुछ फास्ट भी लग रहे हैं मुझे तो। गेम अभी खत्म नहीं हुई मतलब? खत्म हो गई। ये अब कुर्सी पे जाके बैठेगा ना विराजमान होगा ये। और गॉड ऑफ वॉर 2 की शुरुआत वहीं से होगी। अरे यार मोनी ये वाले ब्लेड अच्छे नहीं लग रहे थे इसके, है ना? वो वाले ब्लेड तो छिन गए थे इसके। ब्लेड्स ऑफ केओस किसने लिए थे? ये देख क्या बात है। बिठाओ तो उसे वहां पर। बिठा रहा हूँ, सेव तो कर दूँ। चलो राष्ट्रीय सीट पर राजपाट राष्ट्रीय सिंह फ्री ऑफ है ना डिफीटेड बॉन्स ये बैठ गया स्टाइल देखा बैठ एंड फ्रॉम दैट पॉइंट फॉरवर्ड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ टाइम व्हेनेवर मेन रोड फोर्थ टू बैटल फॉर गुड कॉज और फॉर इविल They did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. नया god of war बन गया। समझ में आई बस पहली वाली स्टोरी में वो क्या बताना चाहते थे? तो एरिस था ना वो था, वो god of war था, सबसे बड़ा। और ये बस एक स्पार्टन था, एक योद्धा, है ना? अब ये इसकी जर्नी इसमें ये रही कि ये इतना ज्यादा फोकस था और इतना ज्यादा पावरफुल था, जिसने जो जिसने जब करता तो उन्हीं के लिए काम था ये, पहले एरिस वायरिस के लिए था, एथेना के लिए करता था, लेकिन उन लोगों ने जब इसकी फैमिली के साथ बुरा किया, जब जो काम इन्होंने उन्होंने इसको करने के लिए दिया और उसी काम में इसको चीट कर दिया, तब इसने बदला लेने के लिए उनको मार कह रहा कि तुमने मतलब मैं तुम्हारे लिए तो काम करता था और तुमने मेरे परिवार को ही खत्म करवा दिया, तो इसने मार दिया। और एथेना ये सब देखकर हैरान हुआ, तो उसको तो पता भी था एरिस को मार देगा ये, और जब देखा तो उसने कहा इसके अब तुम्हारे ये इसका परिवार के वो जो सिंस पीछा भी नहीं छोड़ रहे थे नाइटमेयर्स वगैरह, तो इसने वो सिंस के लिए तो उनसे एथेना से बोला कि क्या करूँ, तो उसने बोला सिंस तो तुम्हारे माफ़ हो जाएंगे क्योंकि तुमने इतने ज़्यादा मतलब काम किए गॉड्स के लिए, इतना कुछ किया है तुमने और बुरे बुरे गॉड्स को भी मारा है लेकिन
नाइट ब्लेड का कुछ नहीं होता इसके लिए, कुछ नहीं हो सकता उसके लिए। इसने आत्महत्या करने की कोशिश की, और आत्महत्या करने के जब आत्महत्या की तो तब भी गॉड्स ने इसको बचा लिया, क्योंकि बोल रहे तुम इसलिए नहीं हो, तुम्हारे लिए और कुछ प्लान है गॉड्स के, तो इसलिए वापस आ गया ये। फिर एथेना ने जब ये अपने सिंस को भूले इसके लिए बोला कि अब यहाँ की नगरी को तुमने जो विनाश किया यानी गॉड को ख़त्म किया वॉर के, तो तुम उस काबिल भी हो अगर उसको डिफीट कर दे तो हमें नए गॉड ऑफ वॉर की जरूरत है, तो तुम हो। अच्छा, मतलब जो एरिस का जो पद था वो इसको दिया। हाँ अच्छा, अब ये नया गॉड ऑफ वॉर है। तो दोस्तों आपने देखा गॉड ऑफ वॉर की जर्नी कैसी रही। वैसे तो हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, इसका नाम इसलिए गॉड ऑफ वॉर पड़ा, मतलब ये पहले गॉड ऑफ वॉर नहीं था, बिल्कुल स्पार्टन था खाली। तो आपने देखा दोस्तों बहुत मजा आया, और नोनी जी का भी थैंक्स, इन्होंने पूरा साथ दिया। और आज रात से हम करेंगे गॉड ऑफ वॉर 2 की लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट, तो प्लीज आज रात से करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि कल से स्टार्ट करें। तो आज आप लोगों ने इसे पूरा प्रीमियर पे लाइव देखा है, तो आपको बिल्कुल वही फील आया होगा जो हम लाइव स्ट्रीम में करते थे, बस थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट्स नहीं रीड कर पाए। तो बस आप अपना प्यार ऐसे ही दीजिएगा, इस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।